गौरी नंदन गजानना गिरिजानंदन निरज्जना पार्वती नंदन सुभानना 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 पाहि प्रभो मां प्राहि प्रसन्नम। नमस्कार, उदयनिधि डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ पल अप्रजिता। आज है गणेश चतुर्थी और गणपति पधार गए हैं। अब अगले 10 दिनों तक पूरे देश में धूमधाम से गणेशोत्सव मनाया जाएगा। वैसे तो गणेश पूजन पूरे देश में होता है, लेकिन महाराष्ट्र में गणपति पूजन की छट्टा देखने ही बनती है। इस पर्व का ऐतिहासिक महत्व भी है। दरअसल छत्रपति शिवाजी ने महाराष्ट्र में सार्वजनिक रूप से गणेश पूजन की शुरुआत की थी, लेकिन सन 1857 की क्रांति से असफल होने के बाद आम लोगों में निराश की भावना थी, जिसे दूर करने के लिए श्री लोकमान्य गंगाधर तिलक ने 10 दिनों तक गणेश चतुर्थी का पर्व मनाने का शुभारंभ किया, जिससे राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई। इसके पहले सन 1892 तक गणेश चतुर्थी का आयोजन इतने बृहद रूप में नहीं हुआ था। लोग अपने घरों में ही श्री गणेश का पूजन किया करते थे, किंतु फिर अंग्रेज सरकार का अत्याचार देखकर श्री बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी को अंग्रेजी सरकार के विरोध में बृहद और सार्वजनिक रूप मनाने का निश्चय किया। और फिर 1892 में पहली बार महाराष्ट्र में इतने बृहद स्तर पर गणेश चतुर्थी का आयोजन किया गया, जो आज तक बिना रुके चल रहा है। भारत के अतिरिक्त गणेश चतुर्थी नेपाल, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, फिजी, अमेरिका और यूरोप के कई देशों में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन श्री गणेश का जन्म हुआ था और फिर पिता महादेव द्वारा गलती से सिर काट दिए जाने के बाद इसी दिन उन्हें पुनर्जीवन मिला था। इसीलिए भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि को गणपति की प्रतिमा स्थापित की जाती है और फिर 10 दिनों बाद चतुर्दशी के दिन उसे किसी जलाशय में विसर्जन किया जाता है। गणेशोत्सव को 10 दिन तक मनाने और उसके बाद श्री गणेश की प्रतिमा का विसर्जन करने के पीछे भी एक कथा है। जब महर्षि व्यास ने महाभारत की कथा को लिपिबद्ध करने का निर्णय किया, तो समस्या आई कि श्लोक तो व्यास जी बोल देंगे, लेकिन उसे लिखेगा कौन? तब उन्होंने श्री गणेश से कथा लिखने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी कि एक बार लिखना शुरू होने के बाद उनकी लिखनी कभी रुकनी नहीं चाहिए, जिसके बाद इस महान ग्रंथ की रचना शुरू हुई। व्यास जी बोलते जाते थे और गणेश जी लिखते जाते थे, लेकिन जब श्री गणेश ने कथा लिखने आरंभ की तो उस समय वो ना भोजन कर सकते थे और ना ही जल पी सकते थे। इस कारण उनके शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया। उस ताप को महसूस कर महर्षि व्यास ने उन्हें गीली मिट्टी से ढक दिया। उससे उन्हें थोड़ी राहत मिली, लेकिन 10 दिन के बाद कथा समाप्त हुई तब तक गीली मिट्टी सूख चुकी थी। तब व्यास मुनि ने उन्हें पास के सरोवर में डुबकी लगाने का सुझाव दिया। जल में प्रवेश करने के बाद श्री गणेश का तापमान पुनः सामान्य हो गया। तभी से गणेश चतुर्थी के मौके पर श्री गणेश की मिट्टी की प्रतिमा बनाने और उसके 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उसके विसर्जन की परंपरा आरंभ हुई। तो ये थी गणेश चतुर्थी के पीछे की परंपरा। आप सभी को गणपति पूजन की शुभकामनाएं। जय श्री गणेश।